कि जहां डॉक्टरों ने एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के पैर से 10 किलो का ट्यूमर निकाला है। खास बात यह है कि महिला को सरकारी कैंसर अस्पताल सहित कई प्राइवेट अस्पतालों ने पैर काटने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में कई जांचों के बाद उसका ट्यूमर निकाल लिया गया है। अब महिला खुद सहारा लेकर चलने भी लगी है। मामला इंदौर निवासी हाजरा बी का है। 3 साल पहले उसके दाएं पैर में हल्की जकड़न होने लगी थी। कुछ दिनों बाद वहां उठाव भी दिखने लगा था। डॉक्टरों को बताया तो उन्होंने छोटा सा ट्यूमर बताया और ट्रीटमेंट चला। बीते 3 सालों में यह ट्यूमर और बढ़ गया और महिला का चलना फिरना दूभर हो गया था। मार्च 2021 में महिला ने सरकारी कैंसर अस्पताल और अन्य प्राइवेट अस्पतालों में जांच कराई तो पता चला कि उसे सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा बीमारी है। इन अस्पतालों ने महिला को पैर काटने की सलाह दी तो वह और परिजन घबरा गए थे। इस बीच कोरोना संक्रमण व अन्य कारणों के चलते परिजन कुछ निर्णय नहीं ले सके थे। कुछ दिन पहले परिजन उन्हें एक निजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए। यहां महिला की कई तरह की जांचें हुई जिसमें पता चला कि उसे सार्कोमा कैंसर है। डॉक्टरों ने यह भी पाया कि महिला को थायराइड है और हीमोग्लोबिन भी 6 ही है। डॉक्टरों ने परिजन को बताया कि उक्त ट्यूमर निकाला जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन के पहले कुछ दिन एडमिट करना होगा ताकि समय पर सब कुछ संतुलित रहे। 9 जून को महिला का ऑपरेशन किया गया। इसके पूर्व उसे 4 यूनिट ब्लड पहले तथा 2 यूनिट ऑपरेशन के बाद चढ़ाया गया। इसके साथ ही अन्य दवाइयां भी दी गई। महिला कुल 22 दिनों तक एडमिट रही। इसके पूर्व उसकी लगातार मॉनिटरिंग की गई। महिला का ट्रीटमेंट आयुष्मान योजना में हुआ है। अगर वह इस दायरे में नहीं आती तो इलाज का खर्च करीब 2 लाख रुपए होता। मरीज श्रीमती हजरा बी को उनके परिजन इलाज हेतु लाए थे। मरीज को दाई जांग में एक बहुत बड़ी सी गांठ थी, इसमें हमने MRI किया, बायोप्सी किया कि मरीज को सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो कि मांसपेशियों का एक प्रकार का कैंसर होता है। ऑपरेशन पूर्णतः सक्सेसफुल रहा, वह पूरी बीमारी को निकालने में कामयाब रहे।